नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे मंत्रोच्चार से जुड़े वैज्ञानिक रहस्यों के विषय में। मंत्र क्या है, हिंदू संस्कृति में इसका महत्व क्या है, इस पर किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान क्या बताते हैं, आध्यात्मिक जीवन में इसका महत्व क्यों है, मन और शरीर पर इसके क्या प्रभाव है, चलिए जानते हैं इन विषयों के बारे में। प्राचीन वेदों में विभिन्न मंत्रों के विषय में उल्लेख मिलता है। मंत्र शब्द बनता है मन और त्र से। मन से अर्थ है सोच, विचार, मनन या चिंतन। त्र का अर्थ है अनर्थ या भय से रक्षा करने वाला। इस तरह मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मनन द्वारा नकारात्मकता से रक्षा। मंत्र का एक तात्विक अर्थ है ध्वनि, खास प्रकार के उच्चारण जिससे खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कारण से कई मंत्र में केवल शब्दों के अंश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, जैसे ह्रीम। वैदिक संस्कृति में कई विधियों में मंत्रों का विशेष रूप से उपयोग होता है, ये हम सब जानते हैं। मंत्रों के विषय में मंत्र के जप का भी महत्व है, अर्थात मंत्रों को निरंतर दोहराने का महत्व। चलिए जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान। मंत्र के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस पर हुए वैज्ञानिक अनुसंधान ये बताते हैं कि खास प्रकार के मंत्रों की ध्वनि के कंपन व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग स्थिति में उत्पन्न होते कंपन से मेल खाती है। तंत्रिका वैज्ञानिक यानी न्यूरो साइंटिस्ट ने चार प्रकार के तरंग व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होते पाए हैं। तरंगों की या कहे कंपनों की फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में नापी जाती है। एक हर्ट्स यानी एक सेकंड के समय में होने वाला पूर्ण आवर्तन। चार प्रकार के तरंगों में से एक है बीटा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 से 20 हर्ट्स की होती है, और इस प्रकार के वेव साधारण विचार या समस्या के समाधान खोजने की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। दूसरे हैं अल्फा वेव, जो है 8 से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, जो कि ध्यान की शुरुआत के चरण में होने वाले वैचारिक गतिविधि के दौरान पाई गई है। इस अवस्था में शरीर आरामदायक स्थिति का अनुभव करता है और रिलैक्सेशन संबंधित हार्मोन के स्राव होते हैं। तीसरा है टेटा वेव्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 से 60 हर्ट्ज की, जो कि ध्यान के अभ्यास करने वालों में पाई गई है। इस स्थिति में शरीर का ध्यान कम होता है और मन गहरी शांति का अनुभव करता है। चौथा है डेल्टा वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 से 3 हर्ट्ज तक। यह ध्यानस्थ अर्थात डीप मेडिटेशन की स्थिति में पाए गए हैं, जो कि बहुत दुर्लभ अवस्था है। यह चार प्रकार के मन की तरंगे सामान्य मनुष्यों में उत्पन्न पाए गए हैं, परंतु इनके अलावा भी एक और प्रकार के वेव्स हैं, जो है गामा वेव्स, और वैज्ञानिकों के अनुसार यह केवल तिब्बतीयन साधुओं में पाई गई है। यह गामा वेव असाधारण है क्योंकि सामान्य चेतातंत्र कोशिका यह उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य की चार अवस्था बताई गई है, जो कि है जागृत, निद्रा, सुसुप्ति और तुरिया अवस्था। सरल शब्दों में कहें तो जागृत, निद्रा, स्वप्न और प्रगाढ़ ध्यानस्थ स्थिति। यही चार अवस्था वैज्ञानिकों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स के स्वरूप में जानी। चलिए जानते हैं मंत्रों का व्यक्ति के शरीर और दिमाग पर क्या असर होता है। जब हम कुछ बोलते हैं तब एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी के तरंग उत्पन्न होते हैं। अलग अलग व्यक्ति की बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर एक पुरुष की फ्रीक्वेंसी स्त्री के बोलने की फ्रीक्वेंसी से साधारणतः कम होती है। जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है हमारा दिमाग उस फ्रीक्वेंसी से खुद को अलाइन करता है। इसीलिए उत्तेजक संगीत दिमाग को उत्तेजित करता है और शांत संगीत दिमाग को शांत करती है। इस प्रकार सही तरह से उच्चारित किए गए मंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी 3 से 60 हर्ट्ज की होने के कारण जब दिमाग सुनता है तब वह ध्यानस्थ स्थिति में जाने के लिए तैयार होता है। जब ध्यान के अभ्यासु इन्हें उच्चारते हैं तब वह शरीर में और दिमाग में होते कंपनों को अनुभव कर सकते हैं। इसे लगातार बोलने के पीछे ये कारण है कि कुछ मिनटों के समयांतर में मन पूर्ण शांत अनुभव करता है और शरीर में हार्मोन के स्राव से शांति का अनुभव होता है और धीरे धीरे ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस अनुभव से मन के पार अर्थात मन की विचार वृत्ति शून्य होती है और पूर्ण जागरूकता की अवस्था में मन को खुद से अलग होने का अनुभव होता है। इसी कारण से आध्यात्मिक जीवन में मंत्र जाप का महत्व है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने यह पाया है कि मंत्र का अर्थ न जानते हुए भी मरीज को मंत्र की ध्वनि सुनाकर या बुलवाकर असाधारण रोगों में चौंका देने वाले सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और कई लाइलाज बीमारी से मुक्ति पाई गई है। 1962 में डॉक्टर टी सी सिंह
जो कि अनामिलिया यूनिवर्सिटी के वनस्पति शास्त्र के हेड रह चुके हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में उन्होंने पाया कि शास्त्रीय संगीत के सान्निध्य में रखे पौधे की वृद्धि दर अन्य पौधों से 20% ज़्यादा और पौधे की द्रव्य घनता 72% ज़्यादा होती है। इसके बाद उन्होंने शास्त्रीय संगीत के रागों के संगीत को उपयोग में लिया और अलग अलग फसलों पर इसका इस्तेमाल किया और पाया कि उनमें 25-7% ज़्यादा उपजाऊ क्षमता मिली। दोस्तों, ध्वनि के इतने प्रभाव वनस्पति पर होते हैं, वैसे ही जो ध्वनि मनुष्य के लिए लाभकारक है उसके अनुसार प्राचीन वेद गुरुओं ने मंत्रों की रचना की, जिनमें विविध मंत्र विविध प्रकार की परिस्थिति के अनुसार या कहे विधि के अनुसार रचना की गई। शरीर पर मंत्रोच्चार के सकारात्मक प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है ब्राह्मण, जो पूजा विधि में विविध प्रकार के मंत्रों को अनेक बार उच्चारण करते हैं। वे शाकाहारी होते हैं और लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जीते देखने को मिलते हैं। यह थी कुछ रसप्रद जानकारी मंत्रोच्चार के विषय में। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।